हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, कल मैंने आपको वीडियो में एक शेयर यहाँ पे जो है स्टडी कराया था, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बारे में डीपली एक बार एनालिसिस करेंगे आज। और इसके अलावा आप देख सकते हैं, क्रेस्ट मैंने आपको कुछ दिन पहले स्टडी कराया था, 37% का इसने जो रिटर्न बना के दिया हुआ है। और आगे चल के हम देखेंगे तो कोचिंग शिपयार्ड के बारे में मैंने आपको 10:30 बजे बताया था कि इसमें आप देख सकते हैं, इसके चार्ट को आप स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिला है, एक जबरदस्त मोमेंटम इसमें देखने को मिला, अपर सर्किट हिट किया है आज इसने। ठीक है, हमारे कुछ मेंबर्स ने यहाँ पे जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी अपनी जो है डाली हुई है। ऑल्दो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने आज इंट्राडे में एक स्टॉक सिलेक्शन किया था हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें जो प्रॉफिट बुक किया है, 491 पे इन्होंने अब जो है इसको स्टडी कर लिया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं, इस प्राइस ने जो हाई लगाया है, करीब 515 का हाई लगाया है, और अभी भी इसमें जो पोटेंशियल है वो बहुत ही बाकी है। एंड इसके अलावा बात करने वाले हैं, आज का जो इंटरडे वाला स्टॉक्स था इसमें भी अच्छी मोमेंटम मिली। उसके बाद हमने देखा कि बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा, और इसमें कुछ स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, आप जाके पढ़ सकते हैं। सेकेंड वाले इंटरडे स्टॉक्स में भी एक अच्छी मोमेंटम आज जो बना के दी है। अब हम चलते हैं एक बारी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के क्या कुछ लेवल्स हमें आगे चल के दिखाई पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। आप देख सकते हैं दोस्तों, कल शूटिंग स्टार यहाँ पे बनी हुई थी, और मैंने बोला था अगर ये क्या होगा, नीचे के लेवल पे एक रेड कैंडल बनती है तभी आपको यहाँ पे एक क्या दिखेगा, गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर ये गैप अप ओपन हो गई तो उसके बाद इसमें जो है वापस से एक नया हाई हमें देखने को मिल सकता है, और आज हमें यही देखने को मिला है। सिमिलर अगर मैं बात करूं निफ्टी बैंक की, तो आप देख सकते हैं इसने भी गैप अप ओपन हुई, और उसके बाद इसने दोस्तों ये वाला जो हाई है ये ब्रेक किया और एक अपना ऑल टाइम हाई नया क्रिएट कर दिया है। अब ये सीधा सीधा दोस्तों हमें यहाँ तक जाते हुए इजीली दिखाई पड़ सकती है, यहाँ पे जाके एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। और कहना चाहूंगा आज दिन में भी एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे आप देखना चाहेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त फॉल यहाँ पे आया था प्राइजेक्शन बना के। आप देख सकते हैं प्राइस उस समय चल रहा था 53,700 पे, और इसने जो लो लगाया 53,100, मतलब मात्र 10 मिनट के अंदर इसने जो लो लगाया है वो 600 पॉइंट्स की यहाँ पे फॉल दिखाई है। उसके बाद ये जो है अपने आप को रिकवर करके फिर से एक नया हाई यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे क्लियर कट हमें शो हो रहा है, अभी जो है बुल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो हमें यहाँ पे कोई भी घबराने की अभी तक जरूरत है नहीं। एटलीस्ट इस लेवल तक आपको बैंक निफ्टी आते हुए जल्दी ही नजर आ सकती है। वेल दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं किन किन स्टॉक्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे बना के दी हुई है। तो सबसे पहला स्टॉक है अपना मार्कसंस फार्मा। आपको याद होगा मैंने जुलाई में स्टडी कराया था इस लेवल पे, ठीक है। अभी तक आप देख सकते हैं इसने करीब 79% का रिटर्न ये ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। आई होप आपने इसको गेनफुली एंजॉय किया होगा और इसके पीछे का लॉजिक आपने समझा होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोचिंग शिपयार्ड। ये तो आज हमने इंट्राडे में ही स्टडी किया था और आप लोगों को भी मैंने शेयर किया था। इसमें आज हमने जो है क्या मिला है, अपर सर्किट देखने को मिला है 10% का, और ये मोमेंटम आगे भी हमें कंटिन्यू दिखाई पड़ सकती है। नेक्स्ट स्टॉक, जिन्होंने कल वाली वीडियो देखी है उनको डेफिनेटली पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस शेयर के बारे में मैंने एकदम क्लियर कट डिफाइन किया था कि ये वाले लेवल्स यहाँ पे ब्रेक होंगे तो एक जबरदस्त मोमेंटम आपको दिखाई पड़ेगा। हमारा जो टारगेट है वो इस तरीके से हमने जो डिफाइन किया था, तो अभी आप देख सकते हैं 50% ही यहाँ पे अचीवमेंट आई है। ऑल्दो हम कहना चाहेंगे इसमें जो है आज के दिन करीब 7 to 8% का मोमेंटम हमें इंट्राडे में बना के दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक, कल हमने स्टडी कराया था गोवा कार्बन, इसमें आज जो है हमें गिरावट देखने को मिली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये गिरावट में अगर हमें मिलता है और भी नीचे अगर हमें मिलता है, ये हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। जितना जल्दी नीचे जाएगा उससे डबल फास्ट ये यहाँ पे रिकवरी करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो इसको भी आप अपने एंड पे स्टडी कर सकते हैं, अपने रडार पे रख सकते हैं। वेल दोस्तों, कल मैंने आपको 3 इंट्राडे वाले स्टॉक्स बताए थे कि उनके लेवल्स अगर निकलेंगे तो एक अच्छा मोमेंट आ सकता है। तो पहला स्टॉक था हमारा सनटेक रियलिटी,
इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, एक बार ब्रेक हुआ वापस इसी लेवल में घुस चुका है। अगर इसको ये ब्रेक करेगा कल के दिन, मतलब आज, आज इसने ब्रेक किया और जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 594, हम छोटे टारगेट रखेंगे हमेशा इंट्राडे में, और वही हुआ 593 का इसने जो हाई लगाया और उसके बाद इसने जो है क्लोजिंग दी है 538 के आसपास। मतलब पूरे दिन इसने यहीं पे कंसोलिडेशन करा, एंड ऑफ द डे इसमें एक अच्छी मोमेंटम आई, ठीक है, और हमारा जो टारगेट है वो इसने हिट किया है। नेक्स्ट स्टॉक हमने स्टडी कराया था इंट्राडे वाला कल, गुजरात गैस, आपको याद होगा। लेकिन ये वाले लेवल्स अगर ब्रेक नहीं हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने इसको टच भी नहीं करना है। बाय द वे, जब तक ये वाले लेवल ब्रेक नहीं होंगे हमें कोई मतलब नहीं है, एकदम अवॉइड करेंगे। सिमिलर हमने ये भी आपको स्टडी कराया था आयोन एक्सचेंज, तो इसको आप देख सकते हैं आज इसने जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और जबरदस्त मोमेंटम सीधा सीधा इसने 684 का जो है यहाँ पे हाई लगाया है। नेक्स्ट हो के दोस्तों हमारा दालमिया भारत शुगर, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक सीनियर स्टूडेंट्स कहना चाहूँगा, उनका नाम है अभिमन्यु, ठीक है। उन्होंने इसका जो चार्ट है वो हमें शेयर किया था ग्रुप में, और इसको उन्होंने ही स्टडी कराया था बाय द वे, क्योंकि वो सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्टॉक सिलेक्शन की कला है वो बहुत ही निखरती आ रही है, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ऐसे, क्योंकि वो हमारी इंट्राडे वाली स्ट्रैटेजी को बाखूबा जान चुके हैं, कैसे यूटिलाइज करना है, कब किस स्टॉक्स में बाई करना है, कब सेल करना है, सब चीज़ें वो समझ चुका है। तो आज उन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी पोजीशन बनाई और उसके बाद इसको जो है यहाँ पे होल्ड करके लेके गए हैं। बाय द वे कहना चाहूँगा, इसमें मेरा कोई भी इंडल्ज नहीं है, ना कोई बाई का ना कोई सेलिंग का, बट ओवरऑल मेरी नज़र रहती है कौन स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन मैं देख लेता हूँ कौन किस काबिलियत में जा चुका है, कौन किस लेवल पे पहुँच चुका है। वेल, अब हम बात कर लेते हैं कुछ और नए बेहतरीन स्टॉक्स जिनमें एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहला स्टॉक है अपना व्हील इंडिया लिमिटेड, इसको आप अपने एंड पे स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, और कहना चाहूँगा ये इस तरीके से एक हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ होती है, जैसे ही अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो हमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बिग एंटिटी एंटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर इसको अंजूम करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो ये जो पोजीशन यहाँ पे बनी है ये कोई छोटा मोटा प्लेयर है नहीं, बहुत बड़े प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री की हुई है, और कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। जैसे ये डिमांड जोन के आसपास आता है इसमें एक अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसको भी आप अपने एंड पे स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हो के अपना उत्तम शुगर, जैसा कि आपने देखा होगा आज शुगर सेक्टर में काफ़ी तेजी हमें देखने को मिल रही थी, तो इसमें भी हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। हालांकि कहना चाहूँगा ये एक इसका क्या है रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये इसको भी धीरे धीरे सस्टेन करके यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें आगे चल के देखने को मिल सकती है, तो इसको भी आप अपने एंड पे स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हो के सोमैनी सेरामिक्स, इसको आप अपने एंड पे स्टडी कर सकते हैं, इसमें भी आगे चल के एक अच्छी मोमेंटम हमें आगे देखने को मिल सकती है, तो इस स्टॉक को भी जो है आप अपने एंड पे एक बार स्टडी कर सकते हैं, अपने रडार पे यहाँ पे रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें सभी दोस्तों में। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।